नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत, और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। सीए पर घमासान जारी है, सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है। कई यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर हैं, तो मुस्लिम महिलाएं भी देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे विश्वविद्यालयों को लेकर विवादित बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने जेएनयू जामिया में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए एक नया फॉर्मूला सुझाया है, जिसके बाद उनके बयान पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। तो आज बात सबसे बड़ा मुद्दा में इसी की कि जेएनयू और जामिया का इलाज बालियान के पास है, उनके किस बयान पर बवाल हो रहा है, आखिर वो फॉर्मूला कौन सा है। पहले ये दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। को लेकर जेएनयू, एएमयू और जामिया समेत कई विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन लामबंद है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस आंदोलन में जामिया, अलीगढ़, जाधवपुर यूनिवर्सिटी के साथ ही जेएनयू के छात्र भी जोर शोर से अपनी आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ छात्र मुखर हैं, ऐसे में सीए समर्थक छात्रों के बहाने यूनिवर्सिटी पर ही निशाना साध रहे हैं। जेएनयू और जामिया के छात्रों के समर्थन में जहां बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो वहीं इनके विरोध में भी सुर उठ रहे हैं। ताजा नाम केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का है। मेरठ में सीए के समर्थन में हुई रैली में बालियान ने जेएनयू में चल रहे विरोध प्रदर्शन को न सिर्फ गलत बताया, बल्कि इसको ठीक करने के लिए नया फॉर्मूला भी पेश कर दिया। ये जेएनयू और जामिया, इसमें तो ये लोग हैं जो देश के विरोध में नारा लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी लगाने की। बालियान का यह बयान देना भर था कि हिंदुवादी संगठन उनके समर्थन में उतर आए। हिंदू जागरण मंच तो बालियान के बयान से भी एक कदम आगे बढ़ गया। ना वहाँ पे पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बार बार बोला जाता है कि प्रशासन ने ये कर दिया, प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कर दिया, प्रशासन ने कर दिया, कोई नहीं आएगा। फिर स्टूडेंट अपने आप देख लें, पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना सक्षम है, 10% बच्चे भी इतने आप में सक्षम है कि वह 90% के अंदर भी देश भावना कूट कूट के भर देंगे। वही विपक्ष ने बालियान के बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांटने की बात कही। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का डीएनए यही है कि वो किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो अब उनको अगर जो आरक्षण की प्रक्रिया लोगों को शिक्षित करने का है, देश के साथ जोड़ने का है, तो उसे भी यदि वो मारकाट में ले जाने के लिए परिकल्पना कर रहे हैं और मिनिस्टर हैं और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्या वह देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? पश्चिमी यूपी के बच्चे, उत्तरी यूपी के बच्चे, उत्तर के बच्चे, दक्षिण के बच्चे, आज पूरे देश को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। बालियान के बयान से विवाद तो होना ही था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री बालियान का बयान भावावेश में आया है, या फिर विरोध में उठ रही आवाजों को दबाने का ये नया फॉर्मूला है। टीम न्यूज टीम। और आज चर्चा इसी पर कि आखिर जो सुझाव दे रहे हैं संजीव बालियान, क्या ऐसे प्रदर्शन और ऐसे विरोध से आखिर दिक्कत क्या है, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज का हमारा सवाल है, क्या केंद्रीय मंत्री बालियान के फॉर्मूले से आप सहमत हैं? फटाफट से मोबाइल उठाइए और अपनी राय ट्वीट कीजिए #, सबसे बड़ा मुद्दा @newsstatehindi। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर MH खान साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं लखनऊ से।
विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ स्टूडियो में गौतम राणे सागर साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पीएसपीएल के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संजीव मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर पीयूष मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है एसबीएसपी राजभर की पार्टी के लखनऊ से, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल संजीव मिश्रा साहब आपसे, भाई ये पार्टी में तय हो गया, ये फॉर्मूला ठीक लग रहा है आपको जो फॉर्मूला संजीव बालियान साहब दे रहे हैं? ऐसे लग रहा है सरकारी तंत्र फेल हो गया है, अब तो यही फॉर्मूला है। देखिए ना, सरकारी तंत्र फेल हुआ है, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो आज सीए का विरोध क्यों? जेएनयू में जो हो रहा है, जो एएमयू में हो रहा है, जिस तरीके से शाहीन बाग में हो रहा है और लखनऊ के घंटा घर पे हो रहा है, ये क्या तरीका है और किस तरीके का विपक्ष इनका साथ दे रहा है? पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वो भाषा आज देश के विपक्षी दल बोलेंगे, और किस तरीके का माहौल पूरे देश में बना दिया, ये अराजकता की स्थिति बनाने की तौर पे आपको हुए। हमने मंच भाषण कहने का मतलब बहुत साफ है, इलाज तो कोई ना कोई होना चाहिए। मंच भाषण देने के लिए नहीं दिया है, सवाल पूछा है सर, उस सवाल का जवाब है तो दीजिए, वरना कहिए सवाल का जवाब नहीं है। भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। संजीव बालियान ने जो कहा 10% पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या हो रहा है इस देश में। अरे सर, आप दिल पे हाथ रख के सवाल का जवाब दे दीजिए ना, सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। आप आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या तो जेएनयू का और जामिया और का इलाज केंद्र के मंत्री है बालियान के पास है। राय रखी है जी, ये राय आपको लगता है लोकतांत्रिक है? लोकतंत्र है इस देश, ये राय लोकतांत्रिक है, संवैधानिक राय है, आपको लगता है? माहौल है, आपको लगता है संजीव मिश्रा साहब, आपको लगता है ये राय संवैधानिक है? ये देखिए ना, आपको लगता है ये राय संवैधानिक है? इस तरीके के हालात इन्होंने बना दिए, और विपक्ष किस तरीके की भाषा बोल रहा है सर? अब आप क्यों विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं? अब आप क्यों विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं? तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या ये सुझाव, ये भाषा लोकतांत्रिक है या नहीं? देखिए जो हालात है, जो प्रदर्शन है, ये देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग, अरे भाई उनको पकड़ के बंद करिए ना, कौन कह रहा है? महान लोगों ने बनाया, उनको बंद करिए ना, धज्जियां उड़ाने वाले उनको बंद करिए ना। एमएच खान साहब बोलिए, जवाब क्या है? एमएच खान साहब बोलिए, एमएच खान साहब बोलिए, वाले लोग पहले बाज आए ना के मिश्रा जी से आपने उनका नाम पूछा, वो अपना गांव बता रहे हैं, अजीब बात है। मिश्रा जी, सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। संजीव बालियान जी, अगर ये केंद्रीय मंत्री हो करके जनता में जो जनसभा हो रही थी उसमें उत्तर, अरे आप बता दीजिए, देश तोड़ने वालों के साथ में बात कर रहे हैं? अरे भाई आप नारे लगाने, अरे भाई देश तोड़ने वाले आप लोग हो, दोस्त तोड़ने वाले के साथ हम नहीं हैं, हम देश को जोड़ने वालों के साथ हैं। चुप, देश तोड़ने वालों के साथ बोला था तो ज्यादा तोड़ने वालों के साथ हो। एक अधिनियम बना, उसमें आप कहिए, आप कहिए, आप गोडसे सही बात बोलिए ना, आप गोडसे के साथ हो, फिर आप तो महात्मा गांधी के साथ नहीं हो, आप गोडसे के साथ हो, आप बोलने नहीं देखो किसी को। अरे आप प्रदर्शनकारियों के साथ में हो, आप किसी को लोकतांत्रिक, आप इन पाकिस्तानियों के साथ में हो क्या? अरे भाई आप बात करिए, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है, सही बात बोलिए ना, कोई लोकतांत्रिक अधिकार, आप बताइए, कोई आप राजनीतिक विश्लेषक हो, आप बताओ, आप इन प्रदर्शनकारियों के साथ में हो? आप बता रहे हैं प्रदर्शनकारियों के साथ में हो, हाँ या ना, मैं बता दो। देखिए मैं तमाम उन लोगों के साथ देख रहे हैं आज की तारीख में, मैं सवाल और आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो ये भी लोग जानते हैं। सुन लो, नहीं तो अगर चिल्लाना है तो चिल्लाइए, आप चिल्लाना चाहते हो चिल्लाइए, आपको भी लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी में थे आप, आपको कौन नहीं जानता है, आपको कौन नहीं जानता साहब? तो आप ऐसी बात मत करो, मैं पूरी बात कहना है, कह रहा हूँ, सुनिए आप, बताओ ना कि प्रदर्शनकारियों के साथ में हो कि जनता के साथ में हो? नहीं सुनने का वादा रखते हैं, सही बात बोलोगे तो सुनेंगे, आप इनको आप नहीं है, तब मैं गलत बातें बोलोगे तो नहीं सुन पाएंगे, ऑडियो डाउन करिए इनका, तब मैं सुन पाऊंगा, तब मैं बोल पाऊंगा। आप देखिए, बस मैं जरूर जी आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, रखने का हर एक को मौका मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों की बात करो ना, देखिए मैं विश्लेषक की बात करो भाई। अच्छा ठीक है, संजीव मिश्रा साहब सुन लीजिए, एमएच खान साहब बोल लीजिए। मंत्रिमंडल में कमाल हो गया साहब, ये तो कोई तरीका नहीं डिबेट का होता है, मैं इसीलिए मना कर देता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ बैठना। एमएच खान साहब बोल लीजिए, आप दूसरे की बात सुनने की क्षमता ना रखते हो। मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय मंत्री हैं वो,
और जनसभा में बोल रहे हैं कि 10% का आप आरक्षण दे दीजिए, तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, केंद्र में पास करा लीजिए। कौन मना कर रहा है? सीएए पास करा लिया, किसी ने मना किया आपको? आप ये जो भाषा बोल रहे हो ये भड़काने वाली भाषा हो गई। आपको अगर करना है तो मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाइए, पास कर लीजिए। नहीं, एमएच खान साहब, जनता में बोल करके आप उत्तर के लोगों को, पश्चिम को लोगों को, एमएच खान साहब मुझे एक बात बताइए, लोगों को देश में इतनी यूनिवर्सिटी है, एमएच खान साहब जी एक बात बताइए कि देश में इतनी यूनिवर्सिटी है, भाई सारा विरोध प्रदर्शन जेएनयू में, जामिया में, एमयू में क्यों हो रहा है? बाकी जगह तो नहीं हो रहा है, जादवपुर में हो रहा है, बाकी जगह तो नहीं हो रहा है, तो क्या उनको भी उकसाया जा रहा है? जी जी नहीं, वो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं जी, तो कह रहा हूँ कुछ बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, उनको इस तरह का धरना प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार वो कर सकते हैं, जो, लेकिन हिंसा हमलावर है वो मिसगाइडेड है, ठीक है, होना चाहिए। और जो शांति प्रदर्शन करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में जितने यूनिवर्सिटी है, ठीक है सर, कहीं छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं आता हूँ। अमित खान साहब मुझे एक मिनट का वक्त दीजिएगा, विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे कह लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, अमित खान साहब आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट का वक्त दीजिएगा, विनोद जी आप बोलिए फिर गौतम जी। दो बातें बड़ी महत्व की, चूंकि आपने सीए की बात शुरू करी, मैं एक बता दूंगा, आज झारखंड के अंदर विश्व परिषद के 50,000 कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लोहरदगा करके जगह है, उस लोहरदगा के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने मस्जिद से ऊपर पथराव किया, कांग्रेसियों ने कांग्रेस के दफ्तर से पथराव किया, वहां से जो है वो ईंट पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, और उसके बाद जो है गोलियां चली, और पुलिस स्टेशन उस मस्जिद के बगल में था, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं को हताहत किया गया, उनके घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, मार्केट को बंद कर दिया गया, और ये साजिश के तहत किया, सारा कुछ ड्रोन कैमरे में कैद है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन वहां सोया हुआ है। आखिरकार मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेसियों से, जिहादियों से, जब ये सरकारें बदलती हैं, सत्ता बदलती है, तो हिंदुओं पर हमलावर क्यों हो जाते हैं? क्या प्रोटेस्ट करने का हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है? ये प्रोटेस्ट करना सिर्फ इन्हीं का अधिकार है, जो पिछले 40 दिन से जो साइनबाग के नाम पर जो है हिंदुस्तान के अंदर आतंक मचा रखा है इन्होंने। और मुझे बताइए खुरेजी के अंदर जो ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि खुरेजी के पास में जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बगल में डीडीए की लैंड है, डीडीए के लैंड पर ये बड़ा टेंट बना करके अंडरग्राउंड क्या किस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है दुनिया को पता है। आखिरकार मैं कहता हूँ प्रशासनिक जो मशीनरी है पता नहीं क्यों सोई हुई है। मुझे हमने कल जो है आज ही हम एलजी से मिले हैं, एलजी से मिले, बाकायदा उनको ज्ञापन दिया है और उसको कहा है कि भाई आप इसकी जांच कराइए, और इस तरह का इलीगल जो एनक्रोचमेंट है, ठीक है, ये प्रोटेस्ट के नाम पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, लेकिन भोली भाली जनता को तंग कर रहे हैं। लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री का ऐसा बयान आना चाहिए? आपको लगता है ये संवैधानिक है? देखिए एक बात तो बड़ी साफ है कि जेएनयू के करैक्टर को जिस तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आपने स्वयं वो 5 यूनिवर्सिटी का नाम लिया, आखिरकार ये 5 यूनिवर्सिटी के अंदर क्या जहर फैलाया जा रहा है, कहां से आ रहा है? मेरा ये कहना है कांग्रेस और कम्युनिस्ट मानसिकता जो है देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है, इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ मंत्री का जो बयान है, मैं तो ये कह रहा हूँ केंद्रीय मंत्री का बयान बड़ा महत्व का है। सर मैं कह रहा हूँ कि वो बयान पीड़ा नहीं, आप एक जिम्मेदार पद पर जब होते हैं तो आप संवैधानिक बात करते हैं जी। और क्या वो संवैधानिक आपको लगता है कहीं से? नहीं, मैं कहता हूं देखिए, अगर केंद्रीय मंत्री ने कहा है, अगर उन्होंने कोई एक मांग की है कि हाँ उसके इस्लामिक करैक्टर को या वहां के जो जिहादी सर, वो कह रहे हैं हम इलाज कर देंगे, वो कह रहे हैं हम इलाज कर देंगे, मतलब जो है ना जी, मतलब ये है, मतलब ये है कि जो सरकारी तंत्र है वो फेल हो गया। अब संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर इलाज करेंगे का जो षड्यंत्र चल रहा है और पूरी तरह प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या ये वही देश है? सर मैं तो की और शिक्षकों की इज्जत करता था, मैं तो नाम साष्टांग दंडवत करता था। गौतम नारायण सागर, ठीक है सर, बीसी को लेकर का लालचन लगा रहे हैं, ठीक है, बीसी से माफी मंगवानी बात कर रहे हैं। गौतम नारायण सागर जी, हमला कर रहे हैं, क्या ये कौन से सनातन, क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्योंकि बयान तो उधर से भी आ रहे हैं और बहुत सारे बयान आ रहे हैं, या उसकी उस क्रिया की प्रतिक्रिया है? अंजीत जी, प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक प्रमुख सदस्य है, उसके मुंह से इस तरह के निकली भाषा का कभी भी समर्थन किया जा सकता है? क्योंकि जब आप सरकार में हैं तो आपके पास सारे तंत्र हैं, अगर वास्तविक तौर पे कहीं कोई इस तरह के काम हो रहे हैं जो इलीगल हैं, तो आपको पूरे के पूरे राइट्स हैं, वो तंत्र का प्रयोग करिए। जिस तरह की भाषा की गई है, एक तीर से कई निशाने किए गए हैं। पहला निशाना ये किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये अराजक लोग हैं,
और अराजक प्रदेश के अराजक लोग कैसी बात कर रहे हो आप मेरी आप वो तो करेंगे, वो अगर मेरी बात आने दीजिए अरे मैं कम से कम जेएनयू सुधर जाएगा अरे मेरी बात ये बात तो फैक्ट है मेरी बात को निकालना पड़ेगा बर्दाश्त नहीं होता क्या मानसिकता को निकालना पड़ेगा सही सही बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही बर्दाश्त नहीं तो आप समझ नहीं पा रहे मुझे आप समझाइए नहीं हुजूर आप अपनी बात कह चुके हैं आप नहीं आप समझाइए नहीं आप समझाइए नहीं आप अरे मिस इंटरप्रिटेशन करना हमारा काम नहीं है हमारा काम संविधान मत बोलिए आप ये आप उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग केंद्र सरकार में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बैठे हुए केंद्रीय मंत्री है भाषा हमने सिखाई भाषा आप हमको न सिखाई भाषा मेरी नहीं मैं अपने ही केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा हूँ मैं आपके केंद्रीय मंत्री अरे आपके केंद्रीय मंत्री आपके केंद्रीय मंत्री मर्यादा अरे मर्यादा आप सुनिए मैं अपने मंत्री की बात कर रहा हूँ आपके मंत्री है कि नहीं ये आपकी अपनी पर्सनल व्यवस्था हमने ये आप मंत्री है मेरे मंत्री किसके बताओ आप मेरे मंत्री हैं मैं देश के मंत्री हैं मैं अपनी बात करता हूँ आपके हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता भारत का हर व्यक्ति किसी भी कीमत पे अपने मंत्री के मुख से निकली हुई इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं कर सकता पूरा भारत केंद्रीय मंत्री ये कहना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग एक तरह से उनके अंदर इस तरह की योग्यता नहीं है कि वो जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम पास करके वो वहां जाकर के एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन ले सके दो दो उनके चरित्र पे दो दो कुठाराघात हो रहे हैं पहला ये उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग उदंड हैं ये दूसरा ये बताने की कोशिश की जा रही है दूसरा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग शैक्षणिक स्तर पे इतने सक्षम नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम पास करके एंट्रेंस एग्जाम पास करके वहां जा पाए शिक्षकों के ये चरित्र कोई भी मंत्री ये चरित्र अपने प्रदेश के नागरिकों जहां से जहां का वो प्रतिनिधित्व करता हो ऐसा कहता है तो मैं उस बात की घोर मजम्मत करता हूँ घोर निंदा करता हूँ भी करनी पड़ेगी घोर निंदा करता हूँ जो संस्था को समाप्त करने के अरे समाप्त आप करना चाहते हैं समाप्त आप करना चाहते हैं समाप्त आप करना चाहते हैं अच्छा बनियान गिरोह बनियान गिरोह को संविधान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति टुकड़े टुकड़े गैंग ही लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग ही लगता है देखिए गौतम राणे सागर जी और विनोद बंसल साहब देखिए गिरोह को अगर एक एक करके बात करेंगे ठीक है देखिए टाइम आपने हमें दिया खैर से हमने इनको सुना लेकिन ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग कभी भी नहीं चाहते कि लोकतंत्र के आधार पर बात हो सके ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं चलिए अच्छा ठीक है एक मिनट सर एक मिनट डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी चलिए मैं दोबारा आपको समय दूंगा गौतम राणे जी मैं आपको दोबारा समय दूंगा एक मिनट डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी देखिए जितना आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जितना समय आपने इन लोगों को दिया मुझे भी सुनने के लिए उतना ही आप तथ्य के साथ बोलेंगे मैं बिल्कुल समय दूंगा सर करूंगा कि मैंने आप तथ्य के साथ बोलेंगे बिल्कुल समय मिलेगा यार नहीं दिया है तो मेरे भी बीच में कोई ना बोले तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जी जी अंजीत जी बोले सर जी देखिए आप अंजीत जी बड़ी दिलचस्प बात यह देखने वाली है कि देश के इतिहास में कोई संविधान पहली बार ऐसा लागू हुआ है जिसके समर्थन में लोग रैलियां निकाल रहे हैं पहली बात दूसरी बात कि जो आप बात कर रहे हैं जेएनयू और जो इनके प्रबुद्ध मंत्री जेएनयू और जामिया की बात कर रहे हैं तो यह भूल चुके हैं कि इनकी काबिल वित्त मंत्री जेएमयू से ही निकली हुई पढ़ी हुई हैं अब देखिए यही बात जब हमारे एक नाम और बता देता हूँ विदेश मंत्री भी वहीं से पढ़े एक और बता देता हूँ विदेश मंत्री भी वहीं से पढ़े रहे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम हमेशा कराती है शहरों के नाम बदल लेते हो चाहे वो कई जगह पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर जगह कहा था भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल काम जाति समुदाय के बीच लड़ाई लगा के अपनी अपनी रोटी सीधी सेकना है वही काम अब इनके मंत्री कर रहे हैं और इनके मंत्री संजय बालियान के स्टेटमेंट से क्लियर हो चुका है
कि जो सरकार है वो नाकाम है और फेल हो चुकी है, क्योंकि ये कानून खुद अपने हाथों में लेने की बात कर रहे हैं और इनका कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि हम लोगों का, इन लोगों का इलाज कर देंगे। अरे आप किन लोगों का इलाज कर दीजिएगा, इन्हीं लोगों ने आप अब चुन के आए हैं तो आप पूरे देश के मंत्री हैं, सेंट्रल कैबिनेट के सदस्य हैं, तो आप उनके भी मंत्री हुए, तो आप किन की बात कर रहे हैं? ये षड्यंत्र ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम बोलिए संजीव जी बोलिए उसमें लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है। और रही बात सीए की, तो हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। इस पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे, हिंदुओं का तो विरोध है। अरे भाई रोजगार तुम दिए नहीं पाए, बाहरियों को कहां से लाके रोजगार दोगे? शिक्षा स्वास्थ्य देखो जाके, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कहां बढ़ गया, जो पहले से बसे हुए हैं उनको तो आप रोजगार दे पाए हो, बाहरियों का दामाद बना के जो बुला रहे हो कहां बिठाओगे, इनको कहां बिठाओगे? जो घर में है तुम्हारे, जो 50 साल से तुम्हारे घर में है, जो हिंदुस्तान में है, उनको तो रोजगार नहीं दे पाए। ये बताइए आप, 3 साल में योगी जी ने कितनी नौकरियां लाई, आप बताइए शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है? मुझे लगता है ना कि पीयूष जी और बैठा रहे, आओ आओ पीयूष जी, मुझे कई बार ये लगता है कि विपक्ष मुद्दों पर कई बार बात ही नहीं करता है। पीयूष जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, संजीव जी एक मिनट, एम एच खान साहब आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं गौतम जी के पास जाऊंगा। केवल और केवल एम एच खान साहब बोलिए। मैं अंजू जी यही कह रहा हूँ जी, देखिए ये जो संजीव बालियान जी की भाषा है जी, और ओवैसी साहब के भाई झारखंड में छूटे भाषा में क्या फर्क रह गया? खान साहब वो कहते हैं हटा दीजिए, देख लो झारखंड के लोग बोलते रहते हैं। अबे यार कम से कम इतना भी कुछ लीजिए, डिबेट में बैठने की तभी तो सीख लीजिए, डिबेट में बोलने की बैठने की कैसे बोला जाता है। अच्छा विनोद जी एक मिनट, उनको बोलने दीजिए फिर आप बोल लीजिए। नहीं मेरी बात को जवाब तो दे, ठीक है जवाब दो ना, मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आप जवाब दीजिए, झारखंड के अंदर हिंदुओं पर हमला करने का आपको राइट किसने दिया? मस्जिद से हमला किसने किया? आखिरकार हिंदुओं को क्यों उनके घरों को चलाया गया? यार काली हिंदू ना हिंदुओं कर रहा है, हिंदुओं का देश नहीं है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियन का भी है। अरे मुसलमानों का देश नहीं है, हिंदुओं को मारोगे? काली हिंदू हिंदुओं का हमला करोगे? मैं कह रहा हूँ बात सुनो, कह रहा हूँ हिंदुओं पर हमला करोगे? बात सुनो पहले, हिंदुओं घर जाओगे क्या? रवैसी ने क्या बात कही थी पहले सुनो, आप कौवा खा लेगा, कौवा खा लेगा, खा नहीं देख रहे हो? क्या कहा था आपने? सुना था नहीं सुना था? इस्तेमाल बालियान जी ने भी किया है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये भाषाएं ठीक नहीं है हिंदुस्तान के आईन के लिए, हमला ठीक है क्या आईन के लिए? दिन अवैसी जो झारखंड में हमला कर रहे हैं वो ठीक है? बालियान ने बोला भाषा पर इतनी तकलीफ है? बालियान ने बोला जो हमला कर रहे हैं हमले के लिए बोला? ये भी बताओ, बात करिए, बोलिए कि हाँ अच्छा किया क्या गलत किया? बड़ा मुश्किल है। अरे लोअर द गांव में जो हमला किया वो अच्छा किया था गलत किया था बोलो ना? काली हिंदुओं का देश है ये, ये ये सब मिला क्या लिखा? काली हिंदुओं का देश है, हिंदू कांग्रेसी जो आपस में सब गौतम राणा सागर साहब, ये फर्क का देश नहीं है। संजू बालियान कह रहे हैं 10% पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को दे दीजिए, कल को संजू मिश्रा साहब कह रहे हैं 10% पूर्वांचल वालों को दे दीजिए, कल को कोई और कहेगा कहीं और को दे दीजिए। अंजीत जी इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की डिमांड वहां होती है जहां व्यक्ति किन्हीं कारणों से उसको कम्पीट करने में सक्षम ना हो, अक्षम हो। इसीलिए हमने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने एक अपने बयान से दो प्रश्न चिन्ह लगा दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को। पहला ये लगा दिया कि ये अराजक लोग हैं, दूसरा ये लगा दिया कि सुनना दूसरा दूसरा के कहने का मतलब शायद कुछ और था। अरे ये पूरा देश दूसरा दूसरा ये कहा कि शैक्षिक रूप से ये लोग इतने सक्षम नहीं है कि कंपटीशन करके एंट्रेंस एग्जाम। पीयूष जी माफी, आपसे दूसरा सवाल नहीं ले पा रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए। हमने एक सवाल पूछा था शुरुआत में, उसका जवाब आपने क्या दिया है उसका जवाब हम आपको दिखाते हैं। हमने पूछा था क्या संजीव बालियान ने जो फॉर्मूला दिया है उससे आप सहमत हैं? 70% लोग कहते हैं हां, जबकि 30% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पता लग गया आपको
सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।